40, ओ माय गॉड, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्राइस डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और गाड़ी पे सीट पे मतलब कुशनिंग की गई है और बाकी इसमें तो गाइस काम ही काम किया गया है, तो डेफिनेटली ये जो प्राइस है ये जस्टिफाई करती है 2000। देखिए गाइस ये गाड़ी आप लोग लेकर जा सकते हो, गाइस गाड़ी का कंडीशन बहुत ज्यादा सही है। तो गाइस इसकी प्राइस ओनली 40,000 रखी गई है और जो ईएमआई का सिस्टम था वो अभी फिलहाल के कुछ दिनों के लिए हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज हमारे पीछे देख सकते हो बहुत सारी गाड़ियां अवेलेबल है यहाँ पे इस शोरूम पे, और इस शोरूम का नाम है कार मार्ट। सो गाइस इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी गाड़ियां अवेलेबल करवाने वाले आप लोगों को, और बहुत सारी जैसे कि आप लोगों की डिमांडिंग गाड़ियां था एंटॉर्क, मेरे पीछे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे एंटॉर्क बहुत सारी गाड़ी अवेलेबल है। तो गाइस बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आज वो धूप बहुत ज्यादा है तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, वीडियो को स्ट्रेट वे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो गाइस स्टार्टिंग में हम लोग आप लोगों को चेकआउट करवाते हैं। यहाँ पे बजाज की तरफ से आने वाली 220 रखी हुई है एफ, तो इसकी प्राइस क्या रखी गई है 69,000। देखिए गाइस ये गाड़ी आप घर लेकर जा सकते हो, और वैसे कौन से साल की मॉडल होगी, 2017 की मॉडल है गाइस। और उसके बाद यहाँ से 160 या फिर 200 है ये ना, 160 बजाज की तरफ से आने वाली 160 है, तो इसकी प्राइस क्या रखी गई है 65,000 ओनली गाइस, वो माय गॉड। और यहाँ पे बैक टू बैक दो गाड़ी रखी हुई है, ये भी 160 आई थिंक, ओके ये 200 है, ये है 160, तो 200 की प्राइस क्या रखी गई है 80,000, ओ माई गॉड बहुत सही है। और गाइज उसके बाद आप लोग देख सकते हो रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली क्लासिक 350, तो इसकी प्राइस क्या रखी है 150, ओ माई गॉड, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्राइस डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और गाड़ी में एडिशनल क्रैश गार्ड लगा हुआ है, और गाइज यहाँ पे ये जो ग्रिल लगी हुई है हेडलैम्प ग्रिल, और गाइज इसका एग्जॉस्ट भी चेंज किया गया है, वो क्या सही धुन निकलती है ऐसे गाड़ी से। उसके बाद गाइज अगर हम लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं तो ये बजाज की तरफ से आने वाली एवेंजर है, और एवेंजर की प्राइस क्या रखी गई है 68, ओ माय गॉड क्या सही प्राइस में ये गाड़ी देखने को मिल रही है। वैसे गाड़ी का कंडीशन बहुत ज़्यादा सही है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ से टायर भी सही डली हुई है, मतलब लगभग नई की नई डली हुई है, पीछे का टायर भी ऐसी ही है, गाड़ी का कंडीशन तो ये वन है गाइज, तो डेफिनेटली गाइज चेकआउट करना तो बनता है। सो गाइज उसके बाद यहाँ से अगर आप लोग चेक करवाते आप लोगों को, यहाँ पे बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर 150 है, तो ये पल्सर 150 की प्राइस क्या रहेगी 58,000 गाइस। और यहाँ से टायर्स आप लोग चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सही टायर्स है, और पीछे का टायर भी आप लोगों को चेकआउट करवा देता हूँ गाइस, ये भी नई नई डली हुई है, गाड़ी का कंडीशन बिल्कुल सही है। और गाड़ी कितने में मिल जाएगी 58,000 में आप लोगों को मिल जाएगी, और कौन से साल की मॉडल है 2019 की मॉडल, और वैसे गाड़ी कितनी चली हुई होगी 27,000 गाइस ये गाड़ी चली हुई है। उसके बाद गाइस यहाँ पे फिर और एक बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर 150 रखी हुई है, तो इसकी प्राइस क्या रखी गई है 41,000, और ये कौन से साल की मॉडल है 2016 की मॉडल है गाइस। उसके बाद फिर से 150, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है 68,000। देखिए गाइस ये आप गाड़ी लेकर जा सकते हो, काफ़ी सही गाड़ी है, और गाड़ी का मतलब कंडीशन भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, और कौन से साल की मॉडल है ये 2019 की मॉडल है गाइस। उसके बाद यहाँ पे बजाज पल्सर की तरफ से आने वाली 125 है, मतलब यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा माइलेज देखने को मिल जाएगी, 50, 55, 60 तो आग बंद करके आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसकी प्राइस क्या रखी गई है 71,000, ओ माय गॉड। और वैसे कौन से साल की मॉडल है 2021 की मॉडल है, मतलब 2 साल भी पुराना नहीं है। उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो, और एक 150 रखी हुई है बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर, तो इसकी प्राइस क्या रखी गई है 61,000, ओ माय गॉड क्या सही है गाड़ी। उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो बजाज, उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो बजाज की तरफ से, सॉरी उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो हीरो की तरफ से आने वाली एक्सपल्स खड़ी हुई है, जो कि ऑफ रोडिंग किंग कही जाती है, और ये जो गाड़ी है ये 200 NT है, मतलब यहाँ पे 200 CC की इंजन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी गाइस। इसकी प्राइस क्या रखी गई है 60,000। देखिए गाइस ये गाड़ी आप घर लेके जा सकते हो, क्या सही डील होने वाली है गाइस। उसके बाद गाइस अगर हम लोग यहाँ से आप लोगों को चेकआउट करवाते हैं बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर 220F है गाइस, और गाड़ी का कंडीशन मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, सामने का टायर आप लोग चेकआउट कर सकते हो, सामने का टायर भी काफ़ी ज़्यादा सही है, उसके बाद पीछे का टायर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, यहाँ से पीछे का टायर भी काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब आप आग बंद करके गाइस आप 15,000 to 20,000 किलोमीटर आप लोग चला सकते हो। वैसे गाड़ी का प्राइस कितना रखी गई है 68,000, और कौन से साल की मॉडल है 2017 की मॉडल है गाइस। उसके बाद आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे RTR 204B खड़ी हुई है, और ये कौन से साल की मॉडल होगी 2019 की मॉडल है, और वैसे ये इस गाड़ी कितना प्राइस देके लोग घर लेकर जा सकते हैं 75,000, ओ माय गॉड। उसके बाद गाइस आप लोग चेकआउट कर सकते हो एज इट एस वर्जन 2.0 है, तो इसकी प्राइस क्या रखी गई है 78,000 है गाइस इसकी प्राइस। और वैसे गाड़ी कितनी हज़ार किलोमीटर चली हुई है
30,000 गाइस गाड़ी चली हुई है। उसके बाद यहाँ से जितने भी गाड़ी हम लोग कवर करने वाले हैं उन लोगों के प्राइस के हिसाब से माइलेज बहुत ज़्यादा देने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे होंडा की तरफ से आने वाली ये है CV125, और CV125 की प्राइस क्या रखी गई है? 47,000। ओह माय गॉड, क्या सही है। कौन से साल की मॉडल है? 2017 की मॉडल है गाइस। उसके बाद आप लोग चेकआउट कर सकते हो ग्लैमर, और ग्लैमर के बारे में क्या ही बोले, इसमें भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को माइलेज देखने को मिल जाएगी। और इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 62,000। और कौन से साल की मॉडल है? 2020 की मॉडल है। और उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं एक डिस्कोवर रखी हुई है जो बजाज की तरफ से आने वाली 150cc सेगमेंट की गाड़ी है। इसकी भी माइलेज आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिल जाएगी। प्राइस कैसी रही? 32,000 गाइस। ये 32,000 देखिए आप घर लेकर जा सकते हो। गाड़ी का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सही है। टायर्स भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, पीछे का टायर्स भी काफ़ी ज़्यादा सही है। तो डेफिनेटली गाइस ये गाड़ी को देखना तो बनता है गाइस। और गाइस आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि आप लोगों को माइलेज ओरिएंटेड बाइक चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, सबके सब में बहुत ज़्यादा माइलेज देने वाली है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली सुपर स्प्लेंडर। तो सुपर स्प्लेंडर की प्राइस क्या रहने वाली है? 58,000। कौन से साल की मॉडल है? 2017 की मॉडल है गाइस। उसके बाद यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो ग्लैमर खड़ी हुई है। ग्लैमर की प्राइस क्या रहेगी? 58,000। और कौन से साल की मॉडल है? 2020 की मॉडल है गाइस। इसमें देखो एक भी स्क्रैचेस आप लोगों को देखने के नहीं मिलेगा, एकदम इंजन सील पैक्ड और गाड़ी बहुत सही कंडीशन के साथ है। उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो ये होंडा की तरफ से आने वाली ये लीवो है शायद, हाँ। तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 58,000। और कौन से साल की मॉडल है? कितने हज़ार किलोमीटर चली हुई वैसे? 10-12। ओ माय गॉड। उसके बाद आप लोग चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे हीरो की तरफ से आने वाली ग्लैमर खड़ी हुई, इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 58,000। और कौन से साल की मॉडल होगी? 17। और गाइस यहाँ पे बजाज की तरफ से आने वाली ये है CT125X। वैसे गाड़ी क्या सही लग रही है। वैसे इसमें जो हैंडल बार दिया हुआ है वो अपफ्रंट हैंडल बार है। पीछे आप लोग देख सकते हो लगेज करने के लिए पीछे टॉप बॉक्स का रैक भी दिया हुआ है गाइस। और तो और गाइस ये जो गाड़ी है ये मतलब लाइक छोटा मोटा सा आप हिमालयन भी सोच सकते हो। ये गाड़ी जो है बहुत सही कंडीशन के साथ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हिमालयन की जैसे यहाँ पे ये जो शॉकर प्रोटेक्टर है, शॉकर प्रोटेक्टर दिया हुआ है। सामने विंडशील्ड लगी हुई है गाइस, नकल गार्ड लगा हुआ है। यहाँ पे एग्जॉस्ट भी चेन है गाइस, और यहाँ पे ऑक्सिलरी लाइट भी देख सकते हो गाइस। गाड़ी बहुत सही कंडीशन के साथ आ रही है, और ये गाड़ी देख के मेरे को बहुत सही लगती है, मतलब गाड़ी फुल्ली कंडीशन में। तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 68,000 गाइस। और यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे दो क्रैश गार्ड इंस्टॉल किया गया है। गाड़ी का कंडीशन बहुत सही है। और कौन से साल की मॉडल है? 2022 की लास्ट की मॉडल है गाइस, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है। और पीछे यहाँ पे आप लोग सीट देख सकते हो, यहाँ पे सीट पे मतलब कुशनिंग की गई है, और बाकी इसमें तो गाइस काम ही काम किया गया है। तो डेफिनेटली ये जो प्राइस है ये जस्टिफाई करती है। तो फिर गाइस इस गाड़ी को तो चेकआउट करना बनता है। अब भी गाइस हम लोग जिस बाइकों के बारे में बात करेंगे, ये यूथ का फेवरेट बाइक होने वाला है, ये है MT15। यामा की तरफ से आने वाली MT15 जो कि 45 से लेकर 50 की माइलेज भी प्रोवाइड कर देती है, और इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सही है। और ये जो गाड़ी ये बहुत डिमांड में रहती है गाइस, और यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, उस फ्रंट टायर भी नहीं डली हुई है, पीछे का टायर भी नहीं डली हुई है। तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 1,25,000 गाइस। ये गाड़ी का कंडीशन इतना ज़्यादा सही होने के बाद भी इसकी प्राइस इतना ज़्यादा कम है, तो भाई गाइस ये गाड़ी को चेकआउट करना तो बनता है गाइस। उसके बाद यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो यामा की तरफ से आने वाली FZ वर्जन 3.0 है, और वो वाली 2.0 है क्या? ओके, तो प्राइसिंग एक एक करके बता दीजिए कौन सी की प्राइस क्या रहने वाली है। पहले वाली जो है वो 85 आएगी, और नेक्स्ट वाली 70,000। वाह, और कौन से साल की मॉडल होगी ये? और सामने वाली 21 एंड सेकंड वाली 19 की मॉडल है गाइस। आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारा बाइकें देख लिया और थोड़ा सा बोर हो भी होंगे, तो पीछे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारी स्कूटियां हैं। तो एक एक करके स्कूटी का प्राइस भी हम लोग डिस्क्लोज करने जा रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्कूटी रखी हुई है जो आप लोगों को पसंद आने वाले गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। एक आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि भैया हम लोगों के लिए एंटोक लाइए, एंटोक लाइए, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दो नया नया एंटोक है। तो सबसे पहले वाली एंटोक से स्टार्ट करते हैं जो रेस एडिशन है, इसके प्राइस क्या रहने वाली है? 82,000। देखिए गाइस ये गाड़ी आप लोग लेकर जा सकते हो गाइस, गाड़ी का कंडीशन बहुत ज़्यादा सही है। और ये कौन से साल की मॉडल है? 2022 की मॉडल है गाइस। तो गाइस उसके बाद यहाँ से येलो कलर की रेस एडिशन वाली और एक वेरियंट है, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? तो सेकंड वाली स्कूटी का प्राइस है 75,000। गाड़ी का कंडीशन बहुत ज़्यादा सही है, दोनों के टायर आप लोग चेकआउट कर सकते हो,
बाकी ये बॉडी भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, कहीं पे भी कोई भी स्क्रैचेस नहीं लगी है, बहुत ज़्यादा सही कंडीशन के साथ है। और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें भी लगी हुई है, जैसे कि सीट कवर लगा हुआ है, मैट भी लगा हुआ है नीचे फोटरेस्ट के वहाँ पे, और हेडलैम्प का सिंच आप लोग चेकआउट कर सकते हो, क्या चमक रही है गाइस। उसके बाद यामा की तरफ से आने वाली रेस ZR है गाइस, ब्लू कोर इंजन के साथ आती है यामा की तरफ से आने वाली ये रेस ZR। इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 68,000। और कौन से साल की मॉडल है? 20 की मॉडल, वाह। उसके बाद गाइस यहाँ पे एप्रिला 150 रखी हुई है, उसकी प्राइस क्या रखी हुई है? 63,000 गाइस। और उसके बाद हम लोग सामने की तरफ से बढ़ जाते हैं गाइस, यहाँ पे और एक एप्रिला रखी हुई है, बैक टू बैक दो दो एप्रिला रखी हुई है। तो एक एक करके दोनों का प्राइस आप लोगों को डिस्क्लोज करके बताते हैं कि इसका प्राइस क्या रहने वाली है। सबसे पहले ये वाली एप्रिला जो है इसकी प्राइस बता दें, 60,000। और ये वाली, ये भी 60 गाइस। और उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हो फेसिनो रखी हुई है, शायद ये तीनों के तीनों फेसिनो है ना, ओके सॉरी फर्स्ट वाला वेसिनो है, नेक्स्ट दोनों वेस्पा है। तो एक एक करके प्राइस भी डिस्क्लोज कर देते हैं। फर्स्ट वाली का प्राइस क्या रहेगी? 49,000। देखिए ये ब्लू कलर की फेसिनो आप लोग लेकर जा सकते हो। उसके बाद जो वेस्पा रखी हुई है, वेस्पा की प्राइस क्या रहेगी? 60-65। पहले वाली जो गाड़ी है वो 60, उसके बाद वाली जो गाड़ी है वो 65,000। तो अभी जल्दी जल्दी से बढ़ जाते हैं, यहाँ पे सुजुकी की तरफ से आने वाली यहाँ पे शायद ये एक्सेस रखी हुई है ना, तो व्हाइट कलर में ये एक्सेस बहुत ज़्यादा चमक रही है, इसकी प्राइस क्या रहेगी? 52,000। और ये कौन से साल की मॉडल है? 2018 की। और उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो मेस्ट्रो एस हीरो की तरफ से आने वाली, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली? 40. तो गाइस इसकी प्राइस ओनली 40,000 रखी गई है, और ऊपर से प्राइस निगोशिएट भी हो जाएगी गाइस। और उसके बाद यामा की तरफ से आने वाली वो लास्ट वाली कौन सी वाली? ओके, तो इस अल्फा की प्राइस क्या रहने वाली है? गाइस इसकी प्राइस ओनली 37,000 रहने वाली है गाइस। इस गाड़ी का कंडीशन काफी ज्यादा सही है, आप लोग यहाँ पे आके डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर लीजिए गाइस। यहाँ से हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे व्हाइट कलर का फेसिनो है, इसे गाड़ी बहुत ज्यादा चमक रही है। तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 43,000। वाओ माय गॉड दिस इज नाइस। उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं यामा की तरफ से आने वाली अल्फा रखी हुई है, तो इस अल्फा की प्राइस क्या रहने वाली है? 42,000 गाइस, ये अल्फा की प्राइस है। उसके बाद हीरो की तरफ से आने वाली ये शायद डुएट है, तो डुएट की प्राइस क्या रहने वाली है? तो गाइस ये जो डुएट है ये 39,000 में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। कौन से साल की मॉडल है? 2017 की मॉडल है। और अगर उसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं, यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो ZR रखी हुई है, तो ZR की प्राइस क्या रहने वाली है? 50,000। देखकर गाइस ये ZR आप घर लेकर जा सकते हो। कौन से साल की मॉडल होगी? 2017 की मॉडल है गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पे हीरो की तरफ से आने वाली और एक डुएट रखी हुई है, जो कि रेड कलर वेरिएंट में है। तो इसके तो यहाँ पे व्हाइट कलर में आप लोगों को हीरो की तरफ से आने वाली मेस्ट्रो एस देखने को मिल जाएगी, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 50,000। अच्छा, तो गाइस इसकी प्राइस जो होने वाली है ये ओनली 40,000 होने वाली है गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, हीरो की तरफ से आने वाली और एक ग्लैमर है, तो ग्लैमर की प्राइस क्या रहने वाली है? 35,000। देखिए गाइस आप ये ग्लैमर घर लेकर जा सकते हो, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सही कंडीशन के साथ है, तो डेफिनेटली गाइस चेकआउट करना तो बनता है। उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर 220F है, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 39,000 गाइस इसकी प्राइस रहने वाली है। वैसे गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा सही कंडीशन के साथ मेरे को देखने को मिल रही है। और उसके बाद गाइस अगर मैं हम लोग यहाँ से चेकआउट करवाता हूँ, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली थंडरबर्ड 350 है, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली? 95,000 गाइस। ये गाड़ी बहुत कम किलोमीटर चली हुई है और गाड़ी का कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा सही है, तो फिर डेफिनेटली इसको चेकआउट करना तो बनता है गाइस। तो गाइस उसके बाद अगर मैं यहाँ से आप लोगों को चेक करवाता हूँ, ये NS160 है बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर है, तो इसकी प्राइस क्या रखी गई है? 53,000। ओ माय गॉड। उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग और एक चेकआउट कर सकते हो, ये भी NS160 है, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 65,000। और उसके बाद गाइस यहाँ पे हीरो की तरफ से आने वाली पैशन प्रो, जिसकी माइलेज आप लोग मान के चलिए 60-65 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देगी, तो इसकी प्राइस क्या रखी गई है? तो गाइस ये 46-47,000 देकर आप घर लेकर जा सकते हो। गाड़ी का कंडीशन में थोड़ा बहुत चेकआउट करवा देता हूँ, यहाँ से पीछे से आप लोग देखिए गाइस क्या सही टायर्स लगे हैं। नहीं, सामने का टायर भी गाइस आप लोग वो चेकआउट करवा देता हूँ, सामने का टायर भी काफ़ी ज़्यादा सही है गाइस। गाड़ी का कंडीशन ओवरऑल बहुत अच्छी है, तो फिर डेफिनेटली गाइस ये जो प्राइस जस्टिफाई हो रही है, बट द थिंग इज यहाँ पे प्राइस निगोशिएट हो जाएगा, तो डेफिनेटली गाइस बर्गेनिंग करना तो बनता है।
तो गाइस फर्स्टली यहाँ पे यामाहा की तरफ से आने वाली अल्फा खड़ी हुई है जो कि 35,000 देकर आप घर लेकर जा सकते हो गाइस। उसके बाद यहाँ पे होंडा की तरफ से आने वाली शाइन है, तो शाइन की प्राइस क्या रहने वाली है? तो गाइस ये जो शाइन है होंडा की तरफ से आ रही है वो 35 देकर आप घर लेकर जा सकते हो। उसके बाद गाइस यामाहा की तरफ से आने वाले स्पीड है गाइस, तो ये जो ब्लू कलर वेरियंट में ये जो गाड़ी खड़ी हुई थी इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 33,000। मतलब यहाँ पे जितना सारे भी गाड़ी आप लोगों को देखने को मिलेगी सब 40 के अंदर है गाइस। और उसके बाद ये होंडा की तरफ से आने वाली ड्रीम न्यू है, तो ड्रीम न्यू की रिटर्न प्राइस क्या रहने वाली है? 52 गाइस। मतलब इसमें थोड़ा सा कंडीशन ज़्यादा होने की वजह से इसका प्राइस थोड़ा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद गाइस यहाँ पे बैक टू बैक दो विक्रांता खड़ी हुई है, तो विक्रांता की प्राइस क्या रहने वाली है? 40,000 दोनों। 40-42, मतलब इससे ये 2000 की कंडीशन ज़्यादा है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे है, बट ये भी बर्गेन हो जाएगा गाइस, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारी गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल, तो फिर गाइस आप लोगों को प्राइस भी बता दिया है, जो पसंद होता है डेफिनेटली गाइस यहाँ पे चेकआउट करके आप लोग लेकर जा सकते हो। सो गाइस यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लास्टली यहाँ पे टीवीएस की तरफ से आने वाली XL 100 है, तो इसकी प्राइस जो है ये 15,000 देकर आप लोग घर लेकर जा सकते हो। गाड़ी का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सही है, और बाकी अगर आप लोगों को कमर्शियल पर्पज़ के लिए चाहिए तो फिर डेफिनेटली। सो गाइस आई होप मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, फिर भी अगर कुछ भी रह जाता है तो फिर कमेंट बॉक्स तो खुला ही है, डेफिनेटली बेझिझक कभी भी पूछ सकते हो कोई भी क्वेरी होता है। और बाकी भैया का फ़ोन नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और वैसे बर्गेनिंग तो हो जाएगा, मतलब निगोशिएट हो जाएगा। और उसके ऊपर से जो EMI का सिस्टम था वो अभी फ़िलहाल की कुछ दिनों के लिए EMI बंद करके रखा गया है, क्योंकि अभी तक एक भी EMI नहीं गया है। और द थिंग इज़ दैट क्योंकि EMI में 20-25,000 ज़्यादा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो एक्चुअली ज़्यादा प्राइस हो जाता है, और एक्चुअली जो जो प्राइस होता है वो ऑलमोस्ट लाइक टू द न्यू हो जाता है। और भाई किसी किसी गाड़ी ऐसे ऐसा होता है कि नया कंडीशन में रहता है, तो फिर इतना ज़्यादा भी कम डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल के लिए EMI बंद है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि EMI का क्या सिस्टम, तो फिलहाल के लिए EMI तो बंद है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी रहता है तो फिर आप लोग डायरेक्टली भैया से बात कर सकते हो, भैया बोले कभी भी आप लोग भैया को फ़ोन कर सकते हो। और EMI का बात करने के लिए बेटर होगा कि आप लोग यहाँ पे आके बैठ के बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बैठ के बात करने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करने वाले हैं, और पूजा का ऑफर नेक्स्ट वीडियो में चालू होगा। फिर भी यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ हिंट देना चाहूँगा कि पूजा से पहले अगर आप लोग गाड़ी लेते हो तो डेफिनेटली एक फ्रेश न्यू हेलमेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा गाइस, और भी उसके साथ शायद पेट्रोल भी देखने को मिल जा सकता है। और तो और गाइस बहुत सारा बम्पर बम्पर ऑफर चालू है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसी चैनल में आपको इस रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दियो लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दियो सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे ऐसी और एक वीडियो, तब तक के लिए बाय।